नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है, हम उनका अभिवादन करते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की संस्था रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना वर्ष 2014 में हुआ। वर्तमान झांसी कैंपस में कृषि, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर का ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक भवन का निर्माण 127 करोड़ रुपया तथा प्रशासनिक भवन का निर्माण 29 करोड़ रुपये की लागत से किया गया। इन नवनिर्मित भवनों के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से स्वागत भाषण हेतु अनुरोध करता हूं। हम सबके लिए आज बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब हमारे इस कार्यक्रम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे झांसी क्षेत्र के सांसद श्रीमान अनुराग शर्मा जी, झांसी के स्थानीय विधायक जवाहर सिंह जी, राजीव सिंह जी, बिहारी लाल आर्य जी, रवि शर्मा जी, डॉक्टर पंजाब सिंह जी, डॉक्टर महापात्रा जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, डॉक्टर अरविंद कुमार जी और इस कार्यक्रम से जुड़े देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, वैज्ञानिक गण और उपस्थित महानुभाव, काफी लंबे समय से इस क्षण की प्रतीक्षा इस पूरे बुंदेलखंड अंचल को थी। आज वह क्षण आ गया है और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी उपस्थित महानुभावों की ओर से, मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि 2014 से पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है। यूं तो सरकारें आती जाती देश में रही हैं, लेकिन जो दूरदृष्टि और जो कार्य करने की क्षमता, सबका साथ सबका विकास और जो देशव्यापी असंतुलन था उसको संतुलित करने का जो प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आज देश भर में हो रहा है, उसके सुखद परिणाम मिलने लगे हैं और आने वाले कल में हमारे देश को निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। जहाँ तक कृषि शिक्षा का सवाल है, कृषि शिक्षा की दृष्टि से भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय था उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाकर उस क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, इस दृष्टि से एक सफलतम प्रयत्न किया गया। उसी श्रृंखला में 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये झांसी केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम प्रारंभ हुआ और आज इसके लोकार्पण का अवसर हम सबके मध्य है। इस विश्वविद्यालय में 3 महाविद्यालय हैं और 22 राज्यों के छात्र यहाँ पर अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही जब यह यूनिवर्सिटी पूरी तरह संचालित होने लगेगी तो देश भर को तो इसका लाभ मिलेगा ही,
लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का हिस्सा है वो काफी पिछड़ा हुआ है, पठारी क्षेत्र है, खेती की दृष्टि से भी वर्षा आधारित है, लेकिन वहाँ जैविक खेती की बड़ी संभावनाएं हैं और उस पर निश्चित रूप से मंत्रालय भी काम कर रहा है, राज्य सरकार भी काम कर रही है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का निश्चित रूप से बहुत ही लाभ मिलने वाला है। रिसर्च की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो हमारा पूसा संस्थान तो था ही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप झारखंड और आसाम में IARI की स्थापना की गई, वो संस्थान भी अपनी जगह काम करना प्रारंभ कर दिए हैं और उनका लाभ भी देश को मिलने वाला है। अरुणाचल हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो, इम्फाल हो, सब क्षेत्रों में कृषि महाविद्यालय खुलें, कृषि का क्षेत्र अग्रणी भूमिका में आवे और ये पूरा का पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र भी विकास की दौड़ में एकदम देश के साथ दौड़ सके। इस दृष्टि से कृषि शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जुड़े हैं। PhD के जो छात्र थे उनको 15,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती थी, अब उनको 31,000 रुपया स्कॉलरशिप दी जाती है। इससे निश्चित रूप से इन छात्रों को भी काफी फायदा हुआ है। जहां तक किसानी के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को यह लक्ष्य दिया है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। इस दिशा में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रही है और इसके सदपरिणाम आने लगे हैं। रबी के की फसल भी इस बार किसान के परिश्रम के परिणाम स्वरूप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसान हितैषी नीतियां, लॉकडाउन के अवसर पर भी किसान ने बम्पर पैदावार की, उपार्जन हुआ, ग्रीष्म ऋतु की फसलें अधिक बोई गई और खरीफ की फसल को भी अगर हम देखेंगे तो गत वर्ष की तुलना में 13 लाख हेक्टेयर अधिक बुआई इस बार हुई है। PM किसान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 करोड़ किसानों को 92,000 करोड़ रुपया अभी तक उनके खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। इससे किसानों की आय बढ़ी है और आय में निश्चित रूप से सहायता हुई है। कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आए, इस दृष्टि से 10,000 FPO बनाने का मामला हो, 2.5 करोड़ किसानों को KCC उपलब्ध कराने का मामला हो, 1 लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना का मामला हो और नए कानून बनाने का मामला हो, इन सब कार्यक्रम और इन सब परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जुड़े हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे PM किसान हो, चाहे KCC अभियान हो, चाहे FPO बनाने का मामला हो और चाहे बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में हरियाली लाने का मामला हो, प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण को उत्तर प्रदेश में 100% अमल करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भी बहुत भूमिका है। मैं उनका भी इस अवसर पर अभिवादन करता हूं और आप सब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से संबोधन हेतु आग्रह है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गण श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, ICR के महानिदेशक, माननीय सांसद झांसी श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय विधायक गण श्री बिहारी लाल आर्य जी, श्री राजीव सिंह परीक्षा जी, श्री रवि शर्मा जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी,
एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन जी, मेयर झांसी श्री रामतीरथ सिंघल जी, कुलपति श्री अरविंद कुमार जी और आज के इस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण अवसर पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज आर्थिक रूप से प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले बुंदेलखंड में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन इस कोरोना कालखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। यह हर व्यक्ति जानता है कि 2014 के बाद देश के अंदर हर एक क्षेत्र में नया परिवर्तन देखने को मिला है, लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि उनके पास एक सुशील नेतृत्व देश में है और कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दुगना करने, किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें जिस प्रकार की मदद शासन स्तर पर प्रारंभ हुई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी जिस प्रकार से व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है और किसानों की आमदनी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से कई गुना बढ़ोतरी करने में मदद मिली है, कृषि विज्ञान केंद्रों ने स्थानीय स्तर पर किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, समय पर उन्हें उन्नत बीज उपलब्ध कराने में भी जो योगदान दिया है, ऐसी एक नई सोच का परिणाम है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जनपद आते हैं और मध्य प्रदेश राज्य के भी कुछ जनपद आते हैं, यह प्रतिवर्ष सूखा की चपेट में होता था, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की परियोजनाओं के समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप आज काफी हद तक इस समस्या का समाधान करने में हमें मदद मिली है। इसके साथ ही वहां पर पेयजल का संकट 2014 के पहले वहां पर टैंकर से पानी पहुंचाने की कार्रवाई होती थी और आज प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना अकेले बुंदेलखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,322 करोड़ रुपए की लागत से इन सभी जनपदों में हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रारंभ हो चुकी है। सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से भी पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश ने 4,000 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं को बुंदेलखंड की अब तक पूरा किया है, जिसमें 2,20,000 हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता अकेले बुंदेलखंड में अर्जित करने में हमें सहायता प्राप्त हुई है। बुंदेलखंड की जो एक अन्य समस्या थी अन्ना प्रथा, जिसमें बड़े पैमाने पर जो निराश्रित गोवंश था, इसके कारण वहां फसलें समाप्त होती थी। आज बुंदेलखंड में पिछले 3 वर्ष के अंदर 1,535 गौ आश्रय स्थल बना करके 1,54,000 से अधिक गोवंश को उन गौ आश्रय स्थलों में सुरक्षित रखने, उनके नस्ल सुधार के साथ ही उन्हें खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आज बुंदेलखंड में प्रारंभ हुई है और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए एक समृद्धि का आधार भी बनेगा, क्योंकि गौ आधारित कृषि को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर आवश्यक
కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికి అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ప్లీజ్ విజిట్ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్, వరటెక్స్ ప్లాజా నియర్ రాధికా థియేటర్, ఈసీఎల్ ఎక్స్ రోడ్, హైదరాబాద్. కాల్ 2 9100885529100885. सुरक्षा क्षेत्र में भी, रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लिए दो डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की और उसमें से एक डिफेंस कॉरिडोर के दो महत्वपूर्ण नोड बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी और चित्रकूट में है. डिफेंस कॉरिडोर में बुंदेलखंड में अब तक 2600 एकड़ भूमि हम लोगों ने इसके लिए अधिकृत की है और लगभग 36,000 करोड़ रुपये के MOU इस संबंध में निवेश के लिए भी बुंदेलखंड में हमें प्राप्त हुए हैं. फरवरी माह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में ही वहां पर अच्छी कनेक्टिविटी के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी और मुझे प्रसन्नता है कि यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 296 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे अब तक लगभग 15% के अपने कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल हुआ है और 10% का जो एक माइलस्टोन था हमारे सामने, हम उसको समय से इस कोरोना कालखंड में भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी. प्रदेश में 2016 के पहले कुल 68 कृषि विज्ञान केंद्र थे. आज भारत सरकार के सहयोग से 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश को मिले हैं. हर बड़े जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र और छोटे जनपद में 1 कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों को इन्हें जोड़ करके स्थानीय स्तर पर किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने में इन कृषि विज्ञान केंद्रों की एक बड़ी भूमिका सामने आ रही है. प्रदेश में अब तक 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय पहले से कार्यरत हैं. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय महारानी लक्ष्मी बाई के नाम पर झांसी में बनने से बुंदेलखंड के दोनों कमिश्नरी में, चित्रकूट कमिश्नरी में, बांदा में राज्य सरकार पहले से एक कृषि विश्वविद्यालय संचालित कर रही है और झांसी कमिश्नरी के लिए यह नया कृषि विश्वविद्यालय मिलने के कारण, इस कृषि विश्वविद्यालय के कारण न केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा, अभी तो इसके माध्यम से किसानों को हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में हमें काफी मदद मिलेगी. आज कोरोना कालखंड में वर्चुअल उद्घाटन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि से जुड़े हुए छात्रों को और बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त हो रहा है. मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की उनकी संकल्पना में पूरी प्रतिबद्धता के साथ पढ़कर के कार्य करेगा. इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, ICAR के सभी पदाधिकारियों का और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति जी और उनके पूरे विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देते हुए उन सब के प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. धन्यवाद. धन्यवाद महोदय. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कृपया रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन करने की कृपा करें. खड़े होना पड़ेगा.
रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2014 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्था के रूप में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध झांसी में हुई। विश्वविद्यालय लगभग 300 एकड़ के क्षेत्र में विस्तारित है। ये विश्वविद्यालय न केवल बुंदेलखंड अपितु देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त कृषि शिक्षा अनुसंधान व किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही साथ यहाँ उन्नत बीज भी उपलब्ध हो रहा है। इसके साथ ही पशु चिकित्सा एवं मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत दतिया में की जा रही है। दलहनी एवं तिलहनी फसलों के अनुसंधान का ये विशिष्ट केंद्र है और यहाँ दक्षता युक्त शिक्षा भी दी जा रही है। इस विश्वविद्यालय के 2 नवनिर्मित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य नवंबर 2017 से प्रारंभ होकर लगभग 2 वर्षों की अवधि में ही NBCC द्वारा पूर्ण कर लिया गया। शैक्षणिक भवन का कुल क्षेत्रफल लगभग 17,500 वर्ग मीटर है, जिसमें 19 स्मार्ट क्लासरूम सहित विद्यार्थियों के लिए 23 शोध प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये भवन सर्व सुविधा युक्त बहुउद्देशीय हॉल एवं सेमिनार हॉल से सुसज्जित है। प्रशासनिक भवन लगभग 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित है, जिसमें समिति कक्ष एवं बोर्ड रूम जैसी सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति, कुल सचिव, निदेशक, अधिष्ठाता के साथ साथ लगभग 14 राज्यों के उत्कृष्ट शिक्षक निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन भवनों में ऊर्जा दक्षता के सभी मानकों को समाहित किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा पैनल, LED लाइट, वर्षा जल संचयन, तकनीकी एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया गया है, जो इस विश्वविद्यालय को प्राकृतिक स्वरूप देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जारी नई शिक्षा नीति से कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं का कौशल विकास होगा और स्वरोजगार के अनेकानेक अवसर प्राप्त होंगे। आज इस विशिष्ट विश्वविद्यालय को माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, जिससे हम सभी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कुलपति रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से आग्रह करता हूं कि विद्यार्थियों से सम्मान्य प्रधानमंत्री जी का परिचर्चा का संचालन करें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, योगांशी आर्या, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की सेकेंड ईयर की छात्रा है और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली है। नमस्कार सर। युगांशी, कई ऑप्शन हो सकते हैं, आपके सारे जो साथी मित्र होंगे, मैं नहीं मानता हूं कि इस प्रकार के विषय पढ़ने के लिए आपके सब साथियों को अच्छा लगता होगा, लेकिन आपने इस दुनिया को चुना, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का तय किया, ऐसा क्यों किया? नमस्कार सर। सर, कृषि स्नातक शिक्षा में हमें बहुत सारे विषय पढ़ने को मिलते हैं और व्यवहारिक ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। मेरा झुकाव शुरू से ही कृषि की ओर रहा है, इसलिए मैंने BSc कृषि में प्रवेश लिया। मैं आगे कृषि से डिग्री करने के बाद फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा खेती की लागत कम करने के लिए कार्य करना चाहूंगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। आपने कभी सोचा होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, उसके बावजूद भी बहुत सी सारी कृषि पैदाश ऐसी हैं जो भारत इंपोर्ट करता है। आप सभी कृषि क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, आज एडिबल ऑयल के लिए करीब 75,000 करोड़ रुपीस हमारा विदेश जाता है।
तो आपको लगता है कि आप जो योजनाएं बना रही हो तो भविष्य में भारत में मुट्ठी भर भी कृषि पैदावार कहीं से बाहर से लानी न पड़े, उसका लिस्टिंग बनाना, उस पर रिसर्च करना, उस पर काम करना, ये हो सकता है क्या? जी सर, जरूर हो सकता है। यदि सारे कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और परिश्रम के साथ लगे रहें और खेती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा इनोवेटिव सोचे तो वो जरूर हो सकता है। जैसा कि आपने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है, उसमें युवा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है जिससे वो अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, अपने खुद के व्यवसाय खोल सकते हैं और जो जिसमें उनकी रुचि है वो कार्य वो कर सकते हैं। चलिए योगांशी, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। आप इस क्षेत्र में प्रगति करें और वैसे भी हमारे देश का कृषि क्षेत्र ज्यादातर महिलाओं ने संभाला हुआ है। पशुपालन कहो या कृषि कहो, महिलाओं का योगदान सदियों से हमारे यहाँ बहुत बड़ा रहा है, लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है कि उसको अलग से रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। आपके वहाँ आने से जरूर कृषि क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। नरेंद्र सेन, 23 साल के नरेंद्र, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के चौथे वर्ष के विद्यार्थी हैं। राजस्थान के जयपुर में प्रताप नगर सांगानेर के रहने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। चलिए आज एक नरेंद्र को दूसरे नरेंद्र से बात करने का मौका मिल गया। सर ये तो मेरा सौभाग्य है। नरेंद्र जी बताइए, आप तो जयपुर के रहने वाले और इधर बुंदेलखंड में आकर के बैठे हो और हॉर्टिकल्चर के लिए पढ़ रहे हो, और बुंदेलखंड तो पानी के अभाव के कारण जाने जाना वाला इलाका है। आपको ही आपका राजस्थान, आपका जयपुर और ये क्या क्या महसूस कर रहे हैं आप? जयपुर के आसपास का क्षेत्र प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ज्यादा वहां पर ये इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर अभी इतना प्रयोग नहीं है, परंपरागत खेती ही होती है इधर। और राजस्थान में मसालों की ज्यादा खेती होती है, जबकि बुंदेलखंड तिलहन और दलहन का प्रमुख क्षेत्र है। सर आपको क्या लगता है कि आप जब ये हॉर्टिकल्चर में जा रहे हैं, अब फल तो सीजनल होते हैं और इनको लंबे समय तक स्टोरेज करना भी बहुत मुश्किल होता है, फल सब्जी की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन इससे जुड़े सेक्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्या बदलाव ला सकते हैं? सर हमने हमारी पढ़ाई के दौरान फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न विधियां बहुत विस्तार से पढ़ी हैं और अपने विश्वविद्यालय और उद्योगों से जुड़कर प्रायोगिक शिक्षा भी प्राप्त करी है, और स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम के तहत हमने व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त करी है, जिसके साथ ही हम स्टार्टअप शुरू करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आपके यहाँ कभी चर्चा हुई क्या, जैसे हमारे देश में इन दिनों ड्रैगन फ्रूट यानी बड़े बड़े घरों में, बड़ी बड़ी होटल में आमतौर पर डाइनिंग टेबल पर देखा जाता है, फल खाया जाता है। पिछले दिनों हमारे कच्छ के किसानों ने रेगिस्तान में ड्रैगन फ्रूट की खेती करके एक बहुत बड़ा कमाल किया है, और मैंने तो टेस्ट किया है, बहुत ही जहाज मैंने आज तक जितने ड्रैगन फ्रूट खाए हैं उसमें भी कच्छ से जो बनाए किसानों ने मेहनत करके तैयार किया है, सचमुच में क्वालिटेटिवली बहुत बड़ा फर्क नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो भारत बाहर से न लाए, हमें यहाँ उत्पादन करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल, अगर हम सब साथ, सारे विश्वविद्यालय साथ मिलकर अगर प्रयास करें तो ये बिल्कुल संभव है सर। चलिए आप बहुत आशावादी हैं नरेंद्र जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद।
సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నెంబర్ వన్ స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Module High School, Nakaram. Admissions are in progress. Call 0402714699 and 0402714869. इक्कीस वर्ष की स्वाति सिंह बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तीसरे वर्ष की छात्रा हैं. स्वाति झांसी की रहने वाली हैं. झांसी नमस्ते. नमस्कार सर. आप तो झांसी की हैं इसलिए आपको तो बाहर पढ़ने के लिए जाना, बाहर के विद्यार्थियों से, तो ये जो बाहर के लोग रहते हैं उनका तो कोशिश रहती होगी कि स्वाति उनको सबको अपने घर ले जाए, अपने घर का खाना खिलाए. ऐसा होता है क्या? जी सर, होता है, कई बार होता है ऐसा. तो अच्छा, आप कहीं हो आई क्या? अपनी इन सहेलियां जो यहाँ पढ़ने में साथ मिली हैं, जो दोस्त मिले हैं, तो उनके गांव कभी हो ही क्या? सर उनके गांव तो नहीं, बट हाँ कई जगह हम घूमे हैं अपने ऑल इंडिया एग्रीकल्चर टूर पे. अच्छा स्वाति, बुंदेलखंड तो सचमुच में, क्योंकि मैं उस इलाके में मेरा आना जाना रहा है, पानी के अभाव में बड़ी कठिनाइयों वाला क्षेत्र है. फिर भी आपने कृषि क्षेत्र में जाने के लिए क्यों पढ़ाई करने का सोचा? सर मेरे पिता अपर नगर आयुक्त हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा कृषि के क्षेत्र से ही ली है. अच्छा, तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली. कि मैं प्रेरणा मिली प्रेरणा मिली कि पिताजी का दबाव था? नहीं नहीं, प्रेरणा मिली. अच्छा. जी सर. और मैं आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ ताकि मैं कृषि एवं किसान कल्याण के लिए कार्य कर सकूं. चलिए, तो आप भी अपने पिताजी की तरह सरकार में जाकर के एग्रीकल्चर में ही काम करना चाहती हैं. देखिए, जहाँ पानी कम होता है वहाँ माइक्रो इरीग्रेशन, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर, क्या हम किसानों को इस विषय में जागरूक कर सकते हैं क्या? किसान इन चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं क्या? आप तो खुद किसान परिवार से हैं, पिताजी किसानी में पड़े हुए हैं, बुंदेलखंड में पानी की चिंता को आप वाकिफ हैं. क्या लगता है, लोगों का मन बन रहा है? यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन के मॉडल तैयार करे गए हैं. हमें इसके बारे में भी पढ़ाया गया है, इसके महत्वता के बारे में भी बताया गया है. और इस वर्ष में रावे के अंतर्गत सभी किसानों को जागरूक करने की कोशिश जरूर करूंगी. आप किसानों को कैसे समझाते हो कि फ्लड इरिगेशन, ये पानी किसान का स्वभाव है, खेत पानी से लबालब भरा हुआ हो, सारी फसल पानी में डूबी हुई, तब उसको लगता है कि हाँ अब कुछ पानी है. उसमें से उसको ड्रिप इरिगेशन में लेकर जाना जहाँ ऊपर तो सूखा दिखता हो, नीचे से गीला होता हो और फिर फसल होती हो, उसकी इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं? सर जब वो खुद हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और जब वो खुद डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स में देखते हैं कि किस तरह से इतने कम पानी में भी कितनी अच्छी लागत मिल रही है, तो तब वो ये बात को समझ पाते हैं अच्छे से. देखिए, आज इस कार्यक्रम में मुझे बताया गया कि करीब 50-55 हज़ार लोग रजिस्ट्री करा करके ऑनलाइन है. इतने सारे लोग हैं तो मैं अपनी बात करने का तरीका बताता हूँ. मैं जब गुजरात में था वहाँ भी पानी का बहुत कष्ट रहता है, तो मैं लोगों को समझाता था कि ड्रिप इरिगेशन कैसे. तो मैं कहता कि मान लीजिए घर में छोटा बालक है और न वेट बढ़ रहा है, न वो खिल उठता है, बड़ा मुरझाया हुआ दुबला पतला है, और हर माँ बाप चाहता है कि बेटा स्वस्थ हो, दौड़ता हो, हंसता खेलता हो, ऐसा बच्चा हो, और माँ बाप चाहेंगे. लेकिन अगर कोई माँ बाप डेली बाल्टी भर दूध ला करके
उसमें बादाम, पिस्ता, केसर सब चीजें डाल करके उस दूध से उसको नहला दें तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? वो तंदुरुस्त होगा क्या? होगा क्या स्वाति? नो सर, नहीं होगा। लेकिन अगर समझदारी से एक एक चम्मच थोड़ा थोड़ा दूध पिला दे तो कुछ महीनों के बाद बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे बालक को दूध से नहलाने से स्वस्थ नहीं होता है, एक एक चम्मच दूध पिलाने से बदलाव की संभावना बनती है। ये फसल का भी ऐसा ही है, पानी से पूरा भर देने से जितना फायदा होता है उससे ज्यादा बूंद बूंद पानी अगर उसके मिलती है तो फसल बहुत बढ़िया बनती है। ये बात बड़े सरल शब्दों में लोगों को समझानी चाहिए। और पानी की रिसाइकलिंग हो, बरसात के पानी को कैसे जमीन के नीचे स्टोर किया जाए, इसके लिए जो आधुनिक और कम खर्च वाली तकनीक है उनके बारे में जानकारी सामान्य जन तक पहुंचाना जरूरी है। अगर आप इसराइल के वेबसाइटें देखेंगे वहां के एग्रीकल्चर की, बुंदेलखंड को वहां के कई मॉडल काम आ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ लिख करके इसी इलाके में कृषि क्षेत्र में काम करने जा रही हो तो जरूर आपका ज्ञान और आपका अनुभव और आपके पिताजी के आशीर्वाद जरूर इस क्षेत्र के किसानों की स्थिति को बदलेंगे, कृषि की स्थिति को बदलेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं सर। बाईस वर्ष के मयंक जैन, बीएससी ऑनर्स वानिकी, चौथे वर्ष के छात्र हैं और मध्य प्रदेश छतरपुर के रहने वाले हैं। नमस्ते मयंक। नमस्कार सर। तो ये वानिकी, ये फॉरेस्ट्री की छात्र कैसे बन गए आप? सर मेरा पहले से ही फॉरेस्ट्री में रुझान था। मेरे गांव के पास में ही पन्ना टाइगर रिजर्व है, मैं अक्सर वहां जाया करता था और जब मेरा यहां सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद मेरा लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन वहां की तो जिंदगी बड़ी कष्टदायक होती है, कैसे जियोगे आप वहां जाके, कैसे काम करोगे? सर जितनी कष्टदायक है पर प्रकृति के अनुभवों को जब महसूस करते हैं तो वो बहुत ही आरामदायक बन जाती है। अच्छा, अभी जब छुट्टियों में जाते हैं तो फॉरेस्ट में चले जाते हैं? यस सर बिल्कुल। और कौन से फॉरेस्ट देखे हैं आपने हिंदुस्तान में? सर मैंने ऑल इंडिया टूर जब गया था तो साउथ कैंपस के कुछ फॉरेस्टों में विजिट की थी। उसके अलावा झांसी के आसपास जितने भी जैसे बनगवा और बाकी के फॉरेस्ट एरिया में भी विजिट की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमें फॉरेस्ट को बचाना भी है और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना भी है? तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, और आपने फॉरेस्ट में घूमे फिरे हो, उससे परिचित हो, तो क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? सर जैसा कि हम जानते हैं कि वन हमारा एक अमूल्य उपहार है प्रकृति का, तो भारत में जितने भी राज्य हैं वहां पे मानक रूप से थोड़ा कम है फॉरेस्ट एरिया। इसके लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर, वन महोत्सव के प्रोग्राम और हर मेड़ पर पेड़ की नीति को अपनाकर इसके फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो भारत में डिग्रेडेड लैंड है वहां पे अधिक से अधिक पौधों का लगाकर हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। आज दुनिया में बहुत बड़ी फॉरेस्ट में आग की घटनाएं दुनिया के समृद्ध से समृद्ध देशों को भी हिला देती है, तो फॉरेस्ट की रचना में पहले से ही आग फैलने की स्थिति को रोकना, कुछ मान लीजिए एक स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट हो फिर बीच में कुछ ऐसी स्थिति हो कि आग आगे पीछे फैले नहीं, इसकी वजह से व्यवस्था हो, इस पर कुछ काम हो सकता है क्या? यस सर, जैसा कि इस पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कई फॉरेस्ट प्रोन जो फायर प्रोन एरिया है उनको चिन्हित किया गया है, तो वहां पर समर सीजन में वैसे भी फॉरेस्ट लाइन का निर्माण कर दिया जाता है जिससे एक जगह से दूसरी जगह फॉरेस्ट फायर ना बढ़ सके। देखिए मयंक जी, आपने बहुत ही अच्छा क्षेत्र लिया है और मुझे लगता है कि दुनिया जो आज क्लाइमेट चेंज को लेकर के परेशान है, एनवायरमेंट के विषय में कॉन्शियसनेस आ रहा है, जितना महत्व ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ रहा है उससे भी ज्यादा महत्व फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए हो रहा है।
बीते 5-6 सालों में भारत में फॉरेस्ट कवर का बहुत विस्तार हुआ है। इसी तरह बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में भी, चाहे वो टाइगर्स की आबादी हो, हाथियों की आबादी हो, भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दुनिया उसको नोटिस भी कर रही है। और आपने देखा होगा, इस बार मैंने 15 अगस्त को घोषित किया है डॉल्फिन को लेकर के, उसी प्रकार से मिशन लायन इसको भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बायोडायवर्सिटी का भी संरक्षण भी हो और विस्तार भी हो और उसमें क्वालिटेटिवली भी लगातार बदलाव आता जाए, उसकी व्यवस्थाओं में भी बदलाव आए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं जी, आपने ऐसा क्षेत्र चुना है जिसका बहुत उज्जवल भविष्य है, मैं आपको बता के रखता हूँ। आज भले लोग न मानते हो, लेकिन आने वाले दिनों में इस क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ने वाला है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। थैंक यू सर। बाईस वर्ष के टोनी मनोज कुमार नंदी पामू आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के रहने वाले हैं। यहाँ पर यह एमएससी एजी सत्य विज्ञान दूसरे वर्ष के छात्र हैं। नमस्कार। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? टोनी मनोज कुमार सर। नहीं नहीं, टोनी नाम है या मनोज कुमार नाम है? सर मेरा पहला नाम टोनी है सर। टोनी, आप टोनी गारू है? यस सर। ये आपने लोगों के यहाँ सिखाया कि नहीं सिखाया झांसी में कि गारू क्या होता है? सिखाते हैं सर। आज इस मौके में आपको बताना चाहता हूँ, आज राष्ट्रीय तेलुगु भाषा दिवस है सर। इसकी दौर पर आपको तेलुगु में बोलना चाहता हूँ। जरूर बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। गौरवनीय प्रधानमंत्री गारू नमस्कारम सर। नमस्कारम। हाँ, कुछ कह रहे थे टोनी सर? हाँ जी सर, सर आपको तेलुगु में बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलिए बोलिए सर। మీ యొక్క కార్యక్రమాలు కానీ, మీరు చేసిన కృషి సంక్షేమ పథకాలు కానీ మొత్తం దేశం మొత్తానికి ఎంతో శుభకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయి సార్. దాని కొరకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. దేకి ముజే సమజ్ ఆ గయా. దేకి మే ఆశీర్వాద్ దేనే వాలో మే సే నహీ హూ, మే తో ఆప్కా సాథీ హూ ఔర్ హమ్ సబ్ నే మిల్ కర్ కే ప్రకృతి కే ఆశీర్వాద్ లేనే హై, పరమాత్మా కే ఆశీర్వాద్ లేనే హై ఔర్ जो लक्ष्य तय किए हैं उसको पार करना है। अच्छा टोनी, आप बताइए, आप अपनी पढ़ाई के अलावा भी आंध्र प्रदेश की कृषि और ग्रामीण जीवन से जुड़ी प्रैक्टिस को, वहाँ के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आपके यहाँ इमली बहुत है, आपके यहाँ हल्दी बहुत है, इन चीज़ों से इनको परिचित करा रहे हैं क्या? इन सब आपके साथ ही पूछते हैं क्या आपको? जी जरूर जी। जी हाँ, हमारे आंध्र प्रदेश में बहुत से धान एवं आम, इसके साथ साथ इमली, तंबाकू और हल्दी का भी बहुत ज़्यादा पैदावार होता है सर। इसको मेरे दोस्तों, मेरे साथियों के साथ बहुत शेयर करते हैं और चर्चा भी करते हैं। और मेरा सौभाग्य यह है कि इस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 22 राज्यों का छात्र है सर। उन सब लोगों को मिलके उनके साथ चर्चा करने से मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है सर। इसके लिए मैं बहुत इस यूनिवर्सिटी को बहुत धन्यवाद बताना चाहता हूँ सर। और इसके साथ झांसी के क्षेत्र के अनुकूल, हम यहाँ इस झांसी के क्षेत्र के अनुकूल चने के संरक्षित खेती यानी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे काम किया है सर हमारे मास्टर्स डिग्री में। इसमें 3 सिद्धांत होता है सर। पहला है कम से कम जुताई करना खेती में, और दूसरी है फसलों का चक्कर फॉलो करना, और तीसरी है हमारी जो फसल का अवशेष है वो खेती पे इसे रहने देना या कि बिछा देना। इससे यह होता है कि मृदा के सेहत के साथ साथ मोस्टली प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है सर। ये तो हमने हमारा मास्टर्स के थीसिस से भी ये इफेक्ट निकला है सर इससे। टोनी, आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग 2 क्षेत्रों में रिसर्च का काम कर रहे हैं, एक चना और दूसरा बनाना। दोनों में काफ़ी अच्छा, मैं पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो सारे प्रोजेक्ट को देखने गया था। भारत के और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट मिल करके उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में अगर शायद हो सकता है वो सारी चीज़ें वेबसाइट पे होगी,
तो उससे मैं इस दिशा में आप काम कर सकते हो। देखिए, फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो, मुझे लगता है इसके लिए भी बहुत बड़ी जागरूकता फैलाना जरूरी है। और आप पढ़े लिखे नौजवान, जो कृषि जगत से जुड़े हुए नौजवान, ये जब ये बात समझाएंगे किसानों को, उनमें विश्वास पैदा करेंगे। और किसान का स्वभाव है, నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు సాయి మహేంద్ర ట్రేడర్స్ హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ మరియు కిరాణా జనరల్ స్టోర్. మా వద్ద అన్ని రకాల నిత్యావసర సరుకులు సరసమైన ధరలకే లభించును. స్వచ్ఛమైన నాణ్యమైన బియ్యంతో పాటు అన్ని రకాల సరుకులు హోల్సేల్ ధరలకే రిటైల్ అమ్మకం. అనువైన ధరలలో నాణ్యమైన వస్తువుల కొరకు సంప్రదించండి సాయి మహేంద్ర ట్రేడర్స్ హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ మరియు కిరాణా జనరల్ స్టోర్. మా అడ్రస్ నాగారం 2 కీసరా మెయిన్ రోడ్, రాంపల్లి ఎక్స్ రోడ్. కాంటాక్ట్ నెంబర్ 9247575485 మరియు 6300322583. వో కాన్ సే సునీ హుయి బాతో కో బహుత్ కమ్ మాన్తా హై. కిసాన్ ఆంఖ్ సే దేఖీ హుయి చీజో పర్ విశ్వాస్ జ్యాదా కర్తా హై. జబ్ తక్ ఆప్ ఉస్కో సఫలతా దిఖాతే నహీ హో, వో ఫాలో నహీ కర్తా హై. तो उस दिशा में कुछ कर रहे हैं क्या आप? जरूर, नॉर्मली देश में किसानों बहुत ज्यादा यूरिया या की कोई दूसरी फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है, और इस दौरान से मतलब मोस्टली फर्टिलाइजर का नेगेटिव इफेक्ट्स या कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा मिट्टी के सेहत, इसके साथ साथ मनुष्यों का स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव दिखा रहा है। मोस्टली आपके द्वारा प्रारंभ किया गया जो स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड या नीम कोटेड यूरिया, इन स्कीमों के द्वारा जो यूरिया के कोई दूसरे फर्टिलाइजर कुछ भी हो, इसके जो हो रहा है उसके खेती पे लागत कम हो रहा है, इसके साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी बहुत जो असर पड़ रहा है उसको भी कम कर सकता है। जो किसान है सॉइल हेल्थ कार्ड का रिपोर्ट के अनुसार फर्टिलाइजर को अप्लाई किया जा रहा है आजकल, इससे मिट्टी का स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिख रहा है, ताकि एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर यूज ना हो रहा है। और इसके साथ साथ जो पहले यूरिया जो है उसका एफिशिएंसी बहुत कम थे, इसका अब जो नीम कोटेड यूरिया आया है, नीम कोटेड यूरिया आने के बाद जो टोटल यूरिया जो कंजम्पशन होता है उसमें 10% तो यूरिया कंजम्पशन कम हो गया है। इस एरिया में जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो बहुत अच्छा सक्सेसफुल स्कीम हुआ है, और इसके लिए हम बहुत खुश हैं सर। देखिए, मैं सभी एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों से जरूर कहना चाहूँगा, और टोनी आप भी अपने साथियों को बता सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये दुनिया में उसकी बहुत मांग है, बहुत वैल्यू है। भारत के लोगों को ये चीजें हस्तगत है, मैंने हम सदियों से इसी के आदि थे, बीच में ही हम थोड़ी गाड़ी डिरेल हो गई है, हम बहुत तेजी से इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा इन दिनों प्रयोग चल रहे हैं जीरो बजट फार्मिंग, बहुत आसानी से किसान इसको बढ़ाया जा सकता है। और मैं चाहूँगा कि जितनी बड़ी मात्रा में हमारा देश, हमारे किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाएं, और ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट के लिए हम तैयार करें, बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा। टॉनी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आपको आपके साथियों को सफलता मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सम्मान्य प्रधानमंत्री जी को मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे देश के कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे अन्य साथी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अन्य अतिथिगण, सभी विद्यार्थी मित्र, और देश के हर कोने से जुड़े हुए
इस वर्चुअल समारोह में उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां से पढ़कर बहुत कुछ सीख करके निकलने वाली युवा साथी देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त करने का काम करेंगे। छात्र छात्राओं की तैयारियां, उनका उत्साह और अभी जो संवाद हो रहा था और जो मेरी आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, मैं वो उत्साह, उमंग, विश्वास मैं अनुभव कर रहा था, ये दिखाई दिया। मुझे विश्वास है कि इस नए भवन के बनने से अनेक नई सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधाओं से स्टूडेंट को और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। हम सबको ये वाक्य बराबर याद है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है और उसी इसी झांसी से, इसी बुंदेलखंड की धरती से आवश्यकता है। मेरी झांसी, मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है, एग्रीकल्चर की है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव में और गांव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। साथियों, इस समय और जब हम इस संकल्प के साथ ही हाल में कृषि से जुड़े ऐतिहासिक रिफॉर्म्स ये सरकार लगातार कर रही है, कई रिफॉर्म्स किए गए हैं, भारत में किसान को बंदिशों में जकड़ने वाली कानूनी व्यवस्थाएं, मंडी कानून जैसा और आवश्यक वस्तु कानून, इन सब में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इससे किसान अब बाकी उद्योगों की तरह पूरे देश में मंडियों से बाहर भी जहां उसको ज्यादा दाम मिलते हैं वहां अपनी उपज बेच सकेगा। इतना ही नहीं, गांव के पास उद्योगों के क्लस्टर बनाने की व्यापक योजना बनाई गई है। इन उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिले, इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से हमारे कृषि उत्पादक संघ
हमारे एफपीओज अब भंडारण से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर पाएंगे और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगा पाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं और उनके सभी साथी इन सबको नए अवसर मिलेंगे, नए स्टार्टअप्स के लिए रास्ते बनेंगे। साथियों, आज बीज से लेकर के बाजार तक खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का, आधुनिक रिसर्च के फायदों को जोड़ने का निरंतर काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की भी है। 6 साल पहले की ही बात करें तो जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विद्यालय था, विश्वविद्यालय था, आज 3-3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज देश में कार्यरत है। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय संस्थान IARI झारखंड, IARI असम और बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इनकी भी स्थापना की जा रही है। ये रिसर्च संस्थान छात्र छात्राओं को नए मौके तो देंगे ही, स्थानीय किसानों तक टेक्नोलॉजी के लाभ पहुंचाने में भी, उनकी क्षमता बढ़ाने भी मदद करेंगे। अभी देश में सोलर पंप, सोलर ट्री, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक तैयार किए गए बीज, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, अनेक क्षेत्रों में एक साथ काम हो रहा है। इन प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए खासतौर पर बुंदेलखंड के किसानों को इससे जोड़ने के लिए आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि और इससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने में कैसे काम आ रहा है, हाल में इसका एक और उदाहरण देखने को मिला है। आपको याद होगा, यहां बुंदेलखंड में मई के महीने में टिड्डी दल का बहुत बड़ा हमला हुआ था और पहले तो ये टिड्डी दल यानी अपने आप में खबर आती है, जब टिड्डी दल आने वाला है तो रात रात किसान सो नहीं पाता है, सारी मेहनत मिनटों में तबाह कर देता है। कितने ही किसानों की फसल, सब्जियां बर्बाद होना बिल्कुल निर्धारित हो जाता है। मुझे बताया गया है कि बुंदेलखंड में करीब करीब 30 साल बाद टिड्डियों ने हमला किया, वरना पहले इस क्षेत्र में टिड्डियां नहीं आती थी। साथियों, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के 10 से ज्यादा राज्य टिड्डी दल या लोकस्ट के हमले से प्रभावित हुए थे। जितनी तेजी से ये फैल रहा था उस पर सामान्य तौर तरीकों, पारंपरिक माध्यमों से नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल था और जिस प्रकार से भारत ने ये टिड्डी दल से मुक्ति पाई है, इतने बड़े हमले को बहुत वैज्ञानिक तरीके से जिस प्रकार से संभाला है, अगर कोरोना जैसी और चीजें न होती तो शायद हिंदुस्तान के मीडिया में हफ्ते भर इसकी बहुत सकारात्मक चर्चा हुई होती। इतना बड़ा काम हुआ है और ऐसे में
टिड्डी दल के हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए जो युद्ध स्तर पर काम किया गया, झांसी समेत अनेक शहरों में दर्जनों कंट्रोल रूम बनाए गए, किसानों तक पहले से जानकारी पहुंचे इसका इंतजाम किया गया, टिड्डियों को मारने और भगाने के लिए जो स्प्रे वाली स्पेशल मशीनें होती हैं वो भी तब हमारे पास इतनी संख्या में नहीं थी, क्योंकि ये हमले ऐसे नहीं आते हैं। सरकार ने तुरंत ऐसी दर्जनों आधुनिक मशीनों को खरीदकर जिलों तक पहुंचाया। ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, केमिकल हो, दवाइयां हो, ये सारे संसाधन लगा दिए ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो। इतना ही नहीं, ऊंचे पेड़ों को बचाने के लिए बड़े क्षेत्रों में एक साथ दवा का छिड़काव करने के लिए दर्जनों ड्रोन लगा दिए गए, हेलीकॉप्टर तक के दवाई छिड़काव किया गया। इन सारे प्रयासों के बाद ही भारत अपने किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होने से हम बचा पाए हैं, हम बचे हैं। स्थानीय ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हो, आधुनिक कृषि उपकरण हो, इसको देश की कृषि में अधिक से अधिक उपयोग में लाने के लिए आप जैसे युवा रिसर्चर्स को, युवा वैज्ञानिकों को निरंतर एक समर्पित भाव से वन लाइफ वन मिशन की तरह काम करना होगा। बीते 6 साल से ये निरंतर कोशिश की जा रही है कि रिसर्च का खेती से सीधा सरोकार हो, गांव के स्तर पर छोटे से छोटे किसान को भी साइंटिफिक एडवाइस उपलब्ध हो। अब कैंपस से लेकर फील्ड तक एक्सपर्ट के जानकारों के इस इकोसिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए काम किया जाना जरूरी है। इसमें आपके विश्वविद्यालय की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इसके लिए भी अनेक जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। साथियों, कितनी ही चुनौतियां क्यों न हो, निरंतर उनका मुकाबला करना हमेशा से, सिर्फ लक्ष्मीबाई के जमाने से नहीं, हमेशा से बुंदेलखंड अगुवाई करता रहा है। बुंदेलखंड की यही पहचान रही है कि कोई भी संकट के सामने मुकाबला करना। कोरोना के खिलाफ बुंदेलखंड के लोग भी डटे हुए हैं। सरकार ने भी प्रयास किया है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, गरीब का चूल्हा जलता रहे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवारों को, जैसे देश के अन्य भागों में मुफ्त राशन दिया जा रहा है, आपके यहां भी दिया जा रहा है। बुंदेलखंड की करीब करीब 10 लाख गरीब बहनों को इस दौरान मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए हैं। लाखों बहनों के जनधन खाते में हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अकेले उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च
अब तक किया जा चुका है, जिसके तहत लाखों कामगार साथियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस अभियान के तहत यहां बुंदेलखंड में भी सैकड़ों तालाबों को ठीक करने और नए तालाब बनाने का काम किया गया है। साथियों, चुनाव से पहले जब मैं झांसी आया था, तब मैंने बुंदेलखंड की बहनों से कहा था कि बीते 5 वर्ष शौचालय के लिए थे और आने वाले 5 वर्ष पानी के लिए होंगे। बहनों के आशीर्वाद से हर घर जल पहुंचाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी और एमपी में ये बुंदेलखंड फैला हुआ है। ये बुंदेलखंड के सभी जिलों में पानी के स्रोतों का निर्माण करने और पाइपलाइन बिछाने का काम निरंतर जारी है। इस क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की करीब 500 जल परियोजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। पिछले 2 महीने में इनमें से करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम शुरू भी हो चुका है। जब ये तैयार हो जाएगी तो इससे बुंदेलखंड के लाखों परिवारों को सीधा लाभ होगा। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अटल भूजल योजना पर भी काम चल रहा है। झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और ललितपुर, इसके साथ साथ पश्चिम यूपी के सैकड़ों गांवों में जल स्तर को सुधारने के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक की योजना पर काम जारी है। साथियों, बुंदेलखंड के एक ओर बेतवा बहती है और दूसरी ओर केन नदी बहती है। उत्तर दिशा में मां यमुना जी हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि इन नदियों के पानी का पूरा लाभ पूरे क्षेत्रों को नहीं मिल पाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए भी केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना में इस क्षेत्र के भाग्य को बदलने की बहुत ताकत है। इस दिशा में हम दोनों राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं, काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब बुंदेलखंड को पर्याप्त जल मिलेगा तो यहां जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी यहां रोजगार के हजारों नए अवसर बनाने का काम करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब वीरों की ये भूमि झांसी और इसके आसपास का ये पूरा क्षेत्र देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा क्षेत्र विकसित हो जाएगा। यानी एक तरह से बुंदेलखंड में जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का मंत्र चारों दिशाओं में गुजरेगा। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बुंदेलखंड की पुरातन पहचान को, इस धरती के गौरव को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर यूनिवर्सिटी के नए भवन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को आप हमेशा याद रखिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आप सभी का
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार प्रकट करता हूं तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री सम्माननीय श्री रूपाला जी और श्री कैलाश चौधरी जी का भी धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी महानुभवों, छात्र छात्राओं सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रियल एस्टेट రంగంలో నమ్మకానికి మారుపేరు గాంచిన సంస్థ SS స్వర్ణ వెంచర్స్ సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు అన్ని రకాల హంగులతో అతి తక్కువ ధరలో ఫ్లాట్లు అందజేస్తున్న సంస్థ SS స్వర్ణ వెంచర్స్ కీసర నుండి భోగారం వెళ్ళు రహదారిలో ప్రశాంత వాతావరణంలో 6 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఫ్లాట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది SS స్వర్ణ వెంచర్స్. అన్ని సౌకర్యాలు అతి చేరువలో అతి తక్కువ ధరలో అందరికీ అందుబాటులో గల ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేందుకు వెంటనే సంప్రదించండి, మంచి ఫ్లాట్లను ఎంచుకోండి. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్.